ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जो पैसों की लालच में किसी भी बूढ़े आदमी के साथ घपाघप कर लेती है। ये मूवी एक लूसी नाम की लड़की से शुरू होती है। लूसी एक कॉलेज में स्टूडेंट है। वो सुबह एक ऑफिस में जॉब करती है और शाम को एक रेस्टोरेंट में भी काम करती है। लूसी अपने दोस्त के साथ एक बार में जाती है और पाउडर लेती है। यहाँ लूसी और उसकी दोस्त दो आदमी से मिलते हैं। दोनों में बातचीत होती है तो उनमें से एक आदमी लूसी के साथ घपाघप करने के लिए कहता है और इसके बदले पैसे भी ऑफर करता है और लूसी मान जाती है और उस आदमी के साथ बिस्तर गरम करती है। लूसी को पैसों की खातिर ये सब करना पड़ता था। वो अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। उसकी बहन का बॉयफ्रेंड घर का मालिक था तो वो उससे रेंट मांगता था, मगर लूसी उससे रेंट के लिए कुछ दिन की मोहलत मांग लेती है। उसकी बहन का बॉयफ्रेंड लूसी को मोहलत तो दे देता है, बदले में लूसी से वो बाथरूम साफ करवाता है। पैसों के लिए लूसी एक लेबोरेटरी में रिसर्च सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर लेती थी और अपने बॉडी पे मेडिकल रिसर्च करवा के पैसे कमा लेती थी। लूसी का एक बर्डमैन नाम का दोस्त था। बर्डमैन लूसी से प्यार करता था मगर लूसी उसको सिर्फ एक दोस्त समझती थी। लूसी को बर्डमैन की दोस्ती बहुत पसंद थी और दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। वो बर्डमैन से अपनी सारी बातें शेयर करती थी, मगर बर्डमैन को शराब की बहुत बुरी लत थी जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार रहता था और लूसी को ही अक्सर उसका ख्याल रखना पड़ता था। लूसी बर्डमैन के सारे खर्चे उठाया करती थी। लूसी को बर्डमैन के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी तो वो अब एक नई नौकरी ढूंढने लगती है। वो अखबार में एक एड देखती है तो एक कंपनी में अप्लाई कर लेती है। लूसी को फिर नौकरी के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जिसपे उसे क्लारा नाम की औरत मिलती है। क्लारा इस कंपनी की मालिक थी और क्लारा उसे सब कुछ उतारने को कहती है। फिर क्लारा और उसका एक असिस्टेंट लूसी के बॉडी को एग्जामिन करते हैं कि कहीं लूसी के बॉडी पे कोई निशान तो नहीं। फिर वो लूसी को सब कुछ पहनने के लिए कहती है। फिर क्लारा लूसी को नौकरी के बारे में बताती है। क्लारा कहती है इधर तुम्हें जो भी काम करने को मिलेगा वो तुम किसी से शेयर नहीं कर सकती और इस बात को अपने साथ ही सीक्रेट रखना होगा। लूसी को इस नौकरी के लिए वेट्रेस का काम करना होगा और इधर आने वाले अमीर आदमियों के लिए ड्रिंक सर्व करनी होगी, मगर इसे ये सब काम बिना कुछ पहने करना होगा जिससे वो अमीर आदमियों को लुभाए। इसे इस काम के हर घंटे के अच्छे पैसे मिलेंगे। क्लारा लूसी से कहती है कि वो बेफिकर हो जाए, उसको कोई आदमी टच नहीं करेगा और उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस नौकरी के लिए लूसी को अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे तो उसने इस नौकरी के लिए हाँ कर दी। अब लूसी को उसके काम के लिए तैयार किया जाता है। लूसी के एक्स्ट्रा बाल सेव किए जाते हैं और उसको काफी अच्छी तरह से तैयार कर दिया जाता है। लूसी को एक कार पिक करने आती है जो उसे एक लोकेशन पे ड्रॉप कर देती है। अब अपने नौकरी के पहले दिन व्हाइट आउटफिट पहन लेती है और अमीर आदमियों के सामने डिनर सर्व करती है। वो देखती है कि वहाँ बाकी काम करने वाले ब्लैक कपड़े पहने हैं और सिर्फ उसी ने व्हाइट आउटफिट पहना है। लूसी ये काम सिर्फ दो बार ही करती है तो उसे क्लारा के असिस्टेंट का कॉल आता है। वो लूसी से कहता है कि क्लारा ने उसे फिर से बुलाया है। क्लारा लूसी को एक नई जॉब ऑफर करती है। वो लूसी से कहती है कि वो यहाँ काम करने वाली सारी लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत है और वो इस खूबसूरती से दुगने पैसे कमा सकती है। क्लारा उसे एक नए काम के बारे में बताती है जिसमें लूसी को बस उन अमीर आदमियों के साथ गले लग के सोना होगा। ये अमीर आदमी लूसी को छू तो सकेंगे और उसकी बॉडी को महसूस कर सकेंगे पर लूसी के साथ घपाघप नहीं कर पाएंगे। वो बस अपना अकेलापन दूर करने के लिए ये आदमी बस लूसी के बगल में सोएंगे। इस काम के लिए लूसी को डबल पैसे मिलेंगे तो लूसी ये काम करने के लिए राजी हो जाती है। फिर क्लारा उसे कहती है इस काम के लिए उसे नशे वाली ड्रिंक पीनी होगी। फिर क्लारा उसे नशे वाली ड्रिंक देती है जिसमें नशे की गोलियां मिलाई थी। लूसी ड्रिंक पीकर गहरी नींद में सो जाती है। क्लारा लूसी को बेड पे लेटा देती है और एक बूढ़े आदमी को उस रूम में बुला लेती है। उस आदमी को बताती है कि वो लूसी के बगल में सो सकता है और उसे छू सकता है मगर वो लूसी के साथ घपाघप नहीं कर सकता है। वो आदमी ये करने के लिए थोड़ा डरा हुआ था तब क्लारा उस आदमी को यकीन दिलाती है कि यहाँ पर उसकी पहचान सेफ है और किसी को भी उसके यहाँ होने की खबर नहीं होगी। क्लारा वहाँ से चली जाती है और वो आदमी अपना सब कुछ उतार के लूसी के साथ लेट जाता है। वो लूसी के पपीते को छूने लगता है और उसकी कमर पर सर रख के सो जाता है। अगले दिन लूसी की बहन का बॉयफ्रेंड उसको घर से निकाल देता है क्योंकि लूसी ने बहुत टाइम से रेंट नहीं दिया होता है, मगर लूसी रेगुलरली ये काम करने लग पड़ी थी। वो नशे वाली ड्रिंक पीकर अपना सब कुछ उतार देती थी और फिर बेड पर सो जाती थी जिसके बाद उसके क्लाइंट्स आके उसके साथ लेट जाते थे। इस वजह से उसके पास काफी पैसे हो गए थे और अब उसने एक नया अपार्टमेंट भी ले लिया था और अपनी बहन के घर से शिफ्ट होकर अपने नए अपार्टमेंट में आ गई थी। लूसी के पास अब पैसे की कमी नहीं थी। अपने रूटीन के मुताबिक लूसी टाइम पर ड्रिंक पी के सो गई थी और उसके क्लाइंट को क्लारा रूल समझा गई थी कि वो लूसी के साथ घपाघप नहीं कर सकता। क्लारा वहाँ से चली जाती है और वो क्लाइंट अपना सब कुछ उतार देता है, मगर लूसी को ऐसे देखकर उसे रहा नहीं जाता। वो लूसी को किस करने लगता है और उसको गालियां देता है। लूसी तो नशे की वजह से बेहोश थी। फिर वो आदमी लूसी के साथ सारी रात घपाघप करता है। सुबह जब लूसी को होश आता है तो उसे अपनी बॉडी में दर्द तो महसूस होती है क्योंकि उसके क्लाइंट ने उसके साथ घपाघप किया था, मगर इस बात का लूसी को तो
ऐसा नहीं पता चलता क्योंकि वो तो बेहोश थी। लूसी सुबह अपने कॉलेज में पढ़ती और शाम को अपनी नई नौकरी करती। एक दिन वो क्लास में बैठी थी तो उसको बर्डमैन का कॉल आता है कि उसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। वो फौरन से बर्डमैन के घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि बर्डमैन ने पेन किलर्स पे ओवरडोज कर लिया है और अब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। बर्डमैन लूसी से प्यार करता था तो वो लूसी को अपनी आखिरी इच्छा बताता है। वो लूसी से कहता है कि वो बस एक बार उसके साथ लेट जाए और उसके साथ घपाघप कर ले। तो लूसी मान जाती है और अपना सब कुछ उतार देती है और बर्डमैन के साथ लेट जाती है। बर्डमैन उसको बाहों में ले लेता है, दोनों बातें करते हैं और बर्डमैन लूसी के बाहों में दम तोड़ देता है। बर्डमैन के फ्यूनरल पे लूसी का एक्स बॉयफ्रेंड भी आता है तो लूसी उससे बात करने लग जाती है। दोनों बर्डमैन की यादों को याद करते हैं। लूसी उससे कहती है कि बर्डमैन उससे हमेशा कहता था विल यू मैरी मी, तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड समझता है कि लूसी उससे शादी करना चाहती है, जिस पे वो लूसी को काफी बुरी बातें बोल देता है। वो लूसी से कहता है कि तुम्हें बहुत बुरी आदतें हैं और तुम्हारे जैसी लड़की शादी के लायक नहीं होती। लूसी को ये सुनकर काफी बुरा लगता है। अब वो काफी उदास हो गई थी क्योंकि उसका एक ही अच्छा दोस्त था बर्डमैन, जो कि अब नहीं रहा। उसके पास अब कोई भी नहीं था जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। लूसी को फिर क्लारा बुलाती है क्योंकि किसी अमीर आदमी को उसके साथ घपाघप करना था। लूसी रूटीन के मुताबिक ड्रिंक पी लेती है और सब कुछ उतार के सो जाती है। फिर वो आदमी आता है और क्लारा उसे सारे रूल्स बता देती है और वो भी अपना सब कुछ उतार देता है। वो लूसी को बैठ के किनारे कर देता है और फिर लूसी को किस करने लगता है। यहाँ पे कहानी में ये दिखाया जाता है कि लूसी के साथ घपाघप करने वाले आदमी काफी अजीब थे। लूसी को अपने ऑफिस की जॉब से फायर कर दिया जाता है क्योंकि लूसी कई काम कर रही थी जिसकी वजह से उसका ध्यान इस काम पर नहीं था। वो फिर मॉल जाके एक कैमरा खरीदती है। शाम को रेस्टोरेंट से फ्री होके वो अपने कलीग के साथ पाउडर लेती है और सीन यहाँ खत्म हो जाता है। अगली सुबह लूसी की आंख उसके मोबाइल के बजने पे खुलती है। अब वो उठकर देखती है कि उसका कलीग उसके साथ लेटा हुआ है, यानी कि उन दोनों के बीच रात को घपाघप हुआ था। लूसी को क्लारा के असिस्टेंट की कॉल आती है जो लूसी को पिक करने के लिए उसके अपार्टमेंट के बाहर था और पाउडर लेने की वजह से लूसी ज्यादा देर के लिए सो गई थी और अपने काम के लिए भी लेट हो गई थी। फिर लूसी क्लारा के असिस्टेंट के साथ काम पे चली जाती है। लूसी अपने क्लाइंट्स को लेके काफी क्यूरियस थी तो वो ड्रिंक पीने से मना कर देती है और क्लारा से कहते हैं कि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे बगल में कौन सोते हैं। तो क्लारा उसे मना कर देती है क्योंकि उसे नशे की हालत में सुलाने का मकसद यही था ताकि इन क्लाइंट्स की पहचान छुपी रह सके। क्लाइंट्स ज्यादातर बूढ़े आदमी होते हैं और वो बहुत मशहूर लोग थे जो अपनी जिंदगी में लोनली फील करते हैं। ये सारे क्लाइंट्स क्लारा की कंपनी इसीलिए इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी पहचान छुपी रहे और वो ये सब करके अपने अकेलेपन दूर कर सके। यही एक रूल था जो क्लारा के लिए जो भी लड़की काम करती थी उन्हें मानना पड़ता था। लूसी ये मान जाती है और ड्रिंक पी के कमरे में चली जाती है। वो अपना सब कुछ उतार देती है और एक छोटा सा कैमरा छुपा देती है ताकि वो रिकॉर्ड कर सके कि रात में उसके साथ क्लाइंट क्या करता है। क्लाइंट भी आ जाता है और वो भी नशे वाली ड्रिंक पीकर लूसी के साथ लेट जाता है। सुबह क्लारा आती है और उस आदमी को जगाती है। क्लारा उस आदमी की नब्ज चेक करती है। उस आदमी ने नशे वाली ड्रिंक ज्यादा पी ली थी जिसकी वजह से वो मर चुका था। क्लारा फौरन से लूसी को जगाती है मगर लूसी भी नहीं उठी। क्लारा लूसी को CPR देती है। फिर लूसी को होश आ जाता है। लूसी अपने साथ एक मुर्दे को पड़ा हुआ देखकर डर जाती है और घबराहट से चिल्लाने और रोने लग जाती है। वो डर जाती है कि वो पूरे रात एक मरे हुए आदमी के साथ सोई थी। एंडिंग सीन में लूसी छुपाए हुए कैमरे की फुटेजेस देखती है। इस फुटेज में वो आदमी और लूसी बड़ी शांति से उस बेड पे सोए थे। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरीज सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।